खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन यानी पर्यटकों की आवाजाही पर लगी रोक गुरुवार 10 अक्टूबर से हटा दी गई है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से यहां पर्यटकों की आवाजाही एहतियातन के तौर पर बंद कर दी गई थी, जिसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले पर पल्ला झाड़ते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी निगरानी करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के लिए महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने वोट बैंक की खातिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन जारी है। गुरुवार को भी पूंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा अचानक गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसका भारतीय सेना द्वारा भी तत्काल मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पश्चिम बंगाल से हिंसा की एक और खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पति पत्नी और 6 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई है। पेशे से स्कूल शिक्षक बंधु प्रकाश पाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इस मामले की छानबीन करना शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के दौरान एहतियातन के तौर पर हिरासत में लिए गए घाटी के नेताओं की रिहाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को भी सूत्रों के अनुसार घाटी के 3 नेताओं को रिहा कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले उनसे एक बॉन्ड पर साइन करवाया गया है, जिसमें लिखा है कि वे किसी भी विरोध प्रदर्शन या सभा में हिस्सा नहीं लेंगे। थाईलैंड में मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली प्रज्ञा पालीवाल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए थाईलैंड गई थी। प्रज्ञा बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करती थी और कंपनी की तरफ से उसे ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भेजा गया था। वहीं प्रज्ञा की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिवार की तरफ से प्रज्ञा के शव को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी गई है। सलमान खुर्शीद के बयान से मचे सियासी घमासान के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कहना है कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी जिन हालातों से गुजर रही है उसमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ताकि उस पर क्रियान्वयन कर पार्टी की स्थिति को सुधारा जा सके। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बालाघाट के कार्यक्रम में शामिल होते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है और कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश का पूरा खजाना खाली कर दिया है। हमेशा राजनीति में व्यस्त रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दशहरे पर ग्वालियर में होते हैं। इस बार भी दशहरा पर्व के मौके पर वे ग्वालियर में कार्यक्रम में शामिल हुए, समाजजनों से मिले और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ वे ढोल पर थाप देते भी नजर आए।